महंगाई का मुद्दा अभी भी आरबीआई के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ऐसे में आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी के तहत रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी की है, यानी रेपो रेट 5.90% से बढ़कर अब 6.25% हो गया है। लेकिन इससे साफ हो गया है कि महंगाई के मोर्चे पर सेंट्रल बैंक की सख्ती बरकरार है। जाहिर है रेपो रेट की बढ़ोतरी से कर्ज और महंगा होगा, लेकिन आरबीआई ने पूरी कोशिश की है कि महंगाई और ग्रोथ के बीच संतुलन बना रहे। वहीं आरबीआई ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर महंगाई उम्मीदों के मुताबिक कम नहीं हुई तो आगे भी रेपो रेट में बढ़ोतरी संभव है। बेलगाम महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई ने इस साल मई से लेकर अब तक 2.25% के साथ लगातार 5वीं बार रेपो रेट बढ़ाया है। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने उम्मीद जताई है कि महंगाई आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन कमजोर पड़ रही है। फिर भी आरबीआई की उम्मीदों के मुताबिक इसमें कमी नहीं आ पाई है और ये 6% के पार बनी हुई है। हालांकि आरबीआई ने उम्मीद जताई है कि कारोबारी साल 2023 के अंतिम तिमाही में महंगाई दर 6% के नीचे आ जाएगी। आरबीआई के लिए महंगाई के मोर्चे पर राहत वाली बात यह है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI 8.39% के साथ 19 महीने के अपने निचले स्तर पर है। वहीं सब्जियों की महंगाई घटकर 17% के आसपास है, जो कि अक्टूबर में 40% के करीब थी। जमीन पर भी सब्जियां और फल सस्ते हुए हैं। अनाज और खाद्य तेल की कीमतों में भी कुछ कमी आई है। क्रूड और एनर्जी की कीमतों में मामूली कमी आई है। कंपनियां भी महंगाई घटने का फायदा कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए तैयार दिख रही हैं। मगर सवाल यह है कि क्या लगातार महंगा होता कर्ज ग्रोथ की गाड़ी की रफ्तार घटा सकता है। गवर्नर शक्तिकांता दास ने भी वित्त वर्ष 2023 के लिए GDP में वृद्धि के अनुमान को 7% से घटाकर 6.8% कर दिया है। हमारे लिए महंगाई के साथ बेरोजगारी भी बड़ी समस्या है और जब तक ग्रोथ तेज नहीं होगी रोजगार के मौके पैदा नहीं होंगे। अच्छी बात यह है कि तेज इकोनॉमी ग्रोथ के लिए तैयार दिख रही है। बैंक क्रेडिट में 8 महीने से डबल डिजिट ग्रोथ जारी है। शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी मांग में सुधार देखने को मिला है। ग्लोबल मंदी की आशंकाओं के बीच इंडियन इकोनॉमी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि रिजर्व बैंक और सरकार दोनों ग्रोथ पर फोकस करें और इसे 7% के ऊपर पहुंचाने की कोशिश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।